हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ में कलर इन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अब आप पूछोगे कि शिवम, मैं कलर इन्वर्ट करके करूँगा क्या? अगर आप रात को ब्राउजिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। देखिए, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे किया तो वीडियो देखते रहिए। तो कलर इन्वर्ट करना हो तो आपको विंडोज़ और प्लस को दबाना है, विंडोज़ और प्लस, तो ये मैग्नीफायर खुल जाएगा। अब आपको कंट्रोल अल्टर और आई प्रेस करना है। अगर मैग्नीफायर से थोड़ा बहुत जूम हो गया हो तो आप माइनस को दबा सकते हैं, वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो अब मैं इसको अगर बंद भी कर देता हूँ और फिर कभी विंडोज़ और प्लस दबाता हूँ तो डायरेक्ट वो वहीं पे स्टार्ट होगा। देखिए, जहाँ से हमने छोड़ा था ये वहीं से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ और एस्केप दबाना है। मैं वापस विंडोज़ और प्लस दबाता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछली बार हमने मिनिमाइज़ किया था तो अभी भी वो मिनिमाइज ही हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आप रात को ब्राउजिंग करते हैं तो। इससे आप जूम करना चाहते हैं तो जूम भी कर सकते हैं विंडोज़ और प्लस दबा के, और विंडोज़ और माइनस से आप नॉर्मल साइज़ पे वापस आ सकते हैं। और यहाँ पे एक यूज़ करके एक ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कितना इन्वर्टेड चाहिए। तो अगर आप लेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ये रेक्टेंगल के अंदर जितना रहेगा उतने का ही कलर इन्वर्ट होगा। ओके, पर यहाँ पे एक फुल स्क्रीन है और एक ये है डॉग। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऊपर के एरिया में आप जहाँ भी होंगे वही दिखेगा खाली। ओके, यहाँ पे सेटिंग्स भी है, यहाँ पे आ जाके आप देख सकते हैं इन्वर्ट कलर वाला ऑप्शन कंट्रोल अल्टर प्लस आई। तो मैं इसे ऐसे यूज़ करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करके रख देता हूँ फुल स्क्रीन पे छोड़ के, और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं विंडोज़ और प्लस दबा देता हूँ और विंडोज़ और एस्केप से वहाँ से निकल जाता हूँ। ओके, विंडोज़ और प्लस मैंने वापस दबा दिया, वो वापस आ गया, विंडोज़ एस्केप से निकल गया। ओके, और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और तब आपने इन्वर्टेड कलर किया है तो क्या होगा कि जब जब मैंने इन्वर्टेड किया है तब तक आपको नॉर्मल दिखेगा, जब जब नॉर्मल है तब तक आपको इन्वर्टेड दिखेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं।